स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बंसल हिस्ट्री ग्रेट वेल लर्निंग में। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं क्लास कराई थी आपकी, ये एनटीपीसी के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं मैथ के, जिसको आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी इस क्लास में पाएंगे, पार्ट टू में पढ़ते हैं। इससे पहले हम पार्ट वन करा दिया है और सभी क्वेश्चन को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आगे, क्वेश्चन कितने करा रहे हैं। तो इससे पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, तो समथिंग 7 क्वेश्चन हमने करवाए थे इससे पहली क्लास में। तो आठवां क्वेश्चन, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आठवें क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके डिस्प्ले सामने से हो रखा है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ए एक काम को 6 दिन में करता है। कितना? ए एक काम को 6 दिन में करता है और इसकी एफिशिएंसी दे रखा है, कुछ पार्ट इसका दिया हुआ है। तो बी जो है, और ए मैंने इसे दे रखा है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। यानी कि मान लो ये 100% करता है तो कितना, ये 125 करता है। कितना? क्योंकि इसने कहा है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। कितना? 25% अधिक कुशल है। तो 25 से काटेंगे 4 बार और 25 से काटेंगे ये 5 बार, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो दोस्तों हमें करना क्या हुआ, ये क्या निकल कर आ गई, क्षमता। क्या निकल गया, बी की क्षमता 5, ए की क्षमता 4। उसने बोला गया है कि ए अकेला 6 दिन में करता है, तो ए की क्षमता कितनी है 4, तो 4 × 5 सॉरी 6 है ऊपर। ये हमारा कुल कार्य निकल कर आ गया। अब क्या पूछा गया, बी अकेला बी की क्षमता कितनी है 5, ये बी अकेला कितने दिन में करेगा कंप्लीट, कितने दिन करेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके 2 × 2/3, 4 × 4/5, 3 × 1/4, 4 × 5 यानी कि बी यदि काम करे अकेला उस कार्य को 4 × 4/5 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया है, आपकी डिस्प्ले सामने शो हो रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। इससे अगला का क्वेश्चन क्या दिया है, तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, कुछ आदमी किसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ आदमी मान लीजिए एक्स आदमी किसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स आदमी किसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, किंतु 10 आदमी कम हो, 10 आदमी कम हो मतलब पहले एक्स थे, अब कितने होंगे, 10 आदमी कम होंगे, ठीक है। तो वह कार्य 10 दिन और लग जाएंगे, यानी कि पहले हमारे 100 दिन लग रहे थे, 10 दिन और लग जाएंगे, यानी कि 110 लग जाएंगे। उसने कहा कि कुछ आदमी किसी कार्य को 100 दिन में करते हैं, तो कार्य करना है हमें। दूसरी कंडीशन क्या थी, यदि 10 आदमी कम हो, 10 आदमी कम है पहले एक्स थे, यदि अब x माइनस 10 कर दिया जाए तो 10 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी कि पहले 100 थे, अब 110 हो गया, तो इससे आप ये काट लोगे, तो ये कितना दिया हुआ है, इसका मल्टीपल यदि हम लगाएंगे तो हमारा होगा ये 10x, इसका मल्टीपल 11x माइनस 1 तो 10 हो गया, ठीक है। इसको तो लेके आएंगे 100 हो गया, 110 इसको उधर लेके जाएंगे तो x निकलेगा। मतलब उसने पूछा क्या है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो कितने व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति थे, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन आपको, याद था। इसका एक तरीका और है शॉर्ट में, एक तरीका इसका ये है और एक तरीका और है इसका। इसने बोला गया है कुछ आदमी किसी कार्य को 100 दिनों पूरा कर सकते हैं, 100 दिनों पूरा करते हैं, लेकिन 10 आदमी कम होते हैं, 10 आदमी कम होते हैं तो 10 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी एक बस लगते हैं। ये दे रखा है समय, और समय का ये काट देंगे तो कितना आएगा, 10 × 11, यानी कि इसका जो समय है वो 10 × 11 में आता है, लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए यानी 11 × 10, तो हमारी क्या निकल कर आती है, क्षमता निकल कर आती है। नहीं कर सकता है, कोई कार्य 100 दिन में करते हैं, यदि 10 आदमी अब्सेंट कर दिए जाए तो ये 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि पहले 100 थे अब 110 हो गए, 110 हो गए ना, तो जब काट देंगे 0 × 10 = 11 आ जाएगा। ये जो समय का रेशियो होता है इसको रिवर्स कर दें, यानी कि उल्टा कर देते हैं,
तो 11 रेशियो 10 किसका आएगा, इसके क्षमता निकल कर आएगी। अब देखो इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है, डिफरेंट जो आ रहा है वो 1 रेशियो को आ रहा है। अब ये सोचो इसमें जो डिफरेंट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि 10 आदमी अवसर थे यानी 10 आदमी उपस्थित नहीं थे ना, इसी की वजह से आ रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं ना। तो क्या पूछा गया हमें प्रारंभ में, तो प्रारंभ की संख्या 11 है, तो 11 आर है, तो 11 × 10 यदि हम करेंगे 110 आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर क्वेश्चन। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आपको कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ ही समय में रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। ये आपका क्लास नंबर 2 है, इसमें रेलवे के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको, जब तक आपके एग्जाम उससे पहले हम आपको 100% क्वेश्चन करा देंगे मैथ के, इसमें कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है वो हम बताते हैं, प्रोग्राम का चेंज करते हैं। चलिए एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति 4 मीटर कपड़ा बेचता है तो उस व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर जो लाभ होगा उसके बराबर होता है। अब ये कहोगे कि सर इसमें तो 4 और 1 20 की बात कर रहा है, तो आपने दूसरा 20 कैसे रख दिया है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, हम एसपी में से यदि हम सीपी घटाएंगे तो क्या आएगा, लाभ निकल कर आएगा। उसने क्या कहा है कि 20 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुएं बेचने के जो लाभ होगा वो इसके बराबर दिया गया है, यानी कि उतनी वस्तुएं खरीदेगा उतनी वस्तु बेचेगा करने से तभी तो लाभ होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर लेके आएंगे, तो 20s - 4s = उधर ट्रांसफर करेंगे तो 20c हो गया। तो कितना बच गया हमारे पास दोस्त, एस पी बच गया ये 20c, 4 × 5 = 4 × 4 = 4, यानी 4s = 5c, s का रेशियो 5 और c का रेशियो 4, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य 5 रेशियो में और क्रय मूल्य हमारा 4 है, तो 5 में से 4 आएगा तो लाभ निकल कर आएगा, और लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना दिया हमारे पास, 4 दिया है, तो परसेंटेज निकालना है × 100 कर दो, कितना आएगा दोस्त, 25% का लाभ निकल कर आएगा, कितना आएगा 25% का लाभ जो इसमें निकल कर आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका साधारण ब्याज का, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं नॉर्मल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, साधारण ब्याज की निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना होता है, यानी कि 10 वर्ष में कोई धन दोगुना हो रहा है, 1 था तो 2 हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 था तो 2 हो रहा है, तो बोला गया है 3 गुना कितने वर्षों में होगा, 3 गुना कितने वर्षों में होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज समझाऊं, जैसे मैंने लिखा 1 से हो रहा है 3 गुना, 3 गुना हो रहा है, तुम इस वाले पार्ट को 200% अधिक लिख सकता हूं, क्लियर है ना, 200% अधिक लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे तो समझ लेते हैं, ये किससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, किससे, 1 से × 100 लगाना, कितना होगा दोस्त, 200% हो गया, तो वही हमने 100 में लिखा है, कुछ नहीं करना है आपको, इतना ना निकालना पड़े, तो जितने गुना होता है उससे 1 कम करके 200 को मल्टीपल कर दो, परसेंट में चेंज कर दो, कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है ये 2 गुना हो रहा है तो कितना अधिक है, ये 100% अधिक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक इंपॉर्टेंट बात तो बता दूं मैं आपको कि r% × t इसको हम ब्याज कहते हैं, अभी मत करो तो हमें ये पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम मुझे बता रहे हैं वो ज्यादा दो, यानी कि आर और टी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हम इस पे साधारण ब्याज का मानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये परसेंटेज है, मतलब आर
और टी होगा, आर और टी होगा ना। तो आर और टी की बात करें तो टी कितना दिया हुआ है 10, और ये निकाला ना यार इससे काटोगे कितना बचा 10%। इससे यार शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, फुल गारंटी है। इससे ज्यादा शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, फुल गारंटी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाएंगे अब ना, दोनों क्वेश्चन में चेंजिंग है, दोनों क्वेश्चन में जो चेंजिंग है। अभी ये क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम लगभग दिखने में, क्वेश्चन और है वो आपको बनाने वाले हैं, और फिर आप लोग देखना कि दोनों में डिफरेंट क्या है। क्लियर है ना क्वेश्चन? चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये डिस्प्ले सामने से रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि कोई धनराशि 1 से 3 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 3 वर्ष में, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। अब क्वेश्चन तो देखो लगभग एक ही है ना, लेकिन इसमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें था सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें साधारण ब्याज है, इसलिए हमें समझनी है। और मोस्टली बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो एक 3 वर्षों में 3 गुनी हो रही है, तो 9 वर्षों में अब देखो इसका 3 गुना, मतलब फिर भी ये 3 वर्ष में कितनी होगी, 3 गुनी मतलब 9, 3 वर्ष में 3 गुनी, फिर 3 वर्ष में 9 गुनी, 3 गुनी हो रही है, मतलब 3 को 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब पूछा कितने वर्षों में 9 गुनी होगी, तो दोस्त ये 1 है और ये 9 है, अब कितनी हो रही है, ये 9 गुनी तो हो गई। और कितने वर्षों में, 3 वर्ष ये थी और 3 वर्ष ये थी, दोनों का यदि हम ऐड करेंगे तो 6 वर्ष निकल कर आएगा। कितना आएगा, 6 वर्ष आपका इस प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। थोड़ी सी समझनी है इसके अंदर, क्या थोड़ी सी चीज समझनी, ज्यादा कुछ समझने को है नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम्पल ने क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ना क्वेश्चन? चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक टाइम एंड मनी का क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है ए एक कार 10 दिन में करता है, ए जो है किसी कार को 10 दिन में करता है और बी किसी कार को 20 दिन में करता है, कितना 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो करना क्या होगा, पहले तो निकालेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। ये होता है टोटल वर्क, कितना होता है टोटल वर्क होता है इसका, यदि इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार आएगा, 20 का यदि इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बार आएगा। तो दोस्त ये क्या निकल कर आती है, हमारी क्षमता निकल कर आती है, क्या आती है ये हमारी क्षमता निकल कर आती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, 5 दिन मतलब ए प्लस बी काम करते हैं 5 दिन तक, कितना कार्य करेंगे 5 दिन में, 2 और 1 3 मतलब 1 दिन में दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं, तो 5 दिन में वो 15 कार्य को संपूर्ण कर लेंगे। अब क्या बोला है, कार्य कितना अंश बचेगा, मतलब 15 कार्य तो कर लिया, कितना बचा है 5 कार्य बचा है, कितने में से 20 में से 1/4 भाग हो जाएगा कि नहीं भाई, 15 कार्य कर लिया है 20 में से कितना बचा, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो 20 में से 15 कर लिया है तो 5 कार्य बचेगा, कितने में से बचेगा 20 में से, 5 से काटो तो 1/4 नहीं है आएगा ना, हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे वाला, हो सकता है कि क्लासेज में थोड़ा सा साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नजदीक में एक रामायण बैठी हुई है, तो वहाँ पर थोड़ा हो सकता है डिस्टर्बेंसन हो रहा हो, कैसे व्यवस्था कर दीजिए कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो किसी भी प्रकार से। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, उसे 20% लाभ पाने के लिए, 20% लाभ पाने के लिए तो क्या करें, 15% की हानि मतलब नेगेटिव और 20% का लाभ प्लस, जब नेगेटिव और प्लस होते हैं दोनों संख्या कैसी होती है, प्लस हो जाती है, कितना हो गया
35% की जो वैल्यू है 170, ठीक है, और 35 से यदि आप काटोगे 170 को, पूछा गया इसमें देख लेते हैं उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 35 से यदि हम काटेंगे, ठीक है, 35 से यदि हम काटेंगे 5 से करके 7 बार, 5 से 15, 5 6 20 हो गया, यानी कि 34 निकल कर आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक बार तो 70 रुपये हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए, अच्छा ठीक है। तो करना क्या होगा इसके अंदर, 15% की हानि होती है, तो 15% की हानि होगी यहाँ पे, तो 100 में से 15 क्या तो 85% की जो वैल्यू है वो 170 है। अब कैसे कि सब कैसे है 85% की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे दिया हुआ है आपके सामने ठीक से हो रहा है, 170 रुपए बेचने पर दुकान का तो 15% की हानि होती है। थोड़ा सा बेसिक बताएं हम इसका, तो करेंगे क्या कि सीपी मान लिया 15% की हानि 100 में से जाएगा तो क्या बचेगा 170, ये बचेगा ना, तो हम कर सकते हैं आराम से। 85% कितना होता है, 1% की वैल्यू 2 और 100% की वैल्यू 200 हो गए। ये क्या निकल कर आ गया आपका सीपी, मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया ना। सीपी जब आएगा तो अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि लाभ के लिए बोला गया 20% लाभ के लिए, तो 200 का जो मूल्य था 20% का लाभ निकाल दो इस पर, 100 से 2 बार 120 कितना होता है 240 रुपए, कितना होता है 240 रुपए होता है। तो साथियों इस क्लास को नहीं स्टॉप करते, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मिलेंगे आपसे। तो ये क्लास में कोई डाउट होता तो आपको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो और भाई कोई भी क्वेरी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको ग्रुप में जोड़ना है वो भी हमें ग्रुप के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों को ऐसे पसंद आई होगी, यदि पसंद आए तो शेयर करो, नहीं तो अब दर्द करना क्या है, ठीक है दोस्तों, तो चलते फिर मिलते हैं।